मेरा तो ये कि क्या एक बार फिर से आप ध्रुवीकरण होते हुए देख रहे हैं, क्या ये टू साइडेड वॉर बन रहा है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी? और साथ ही दूसरा सवाल कि क्या मुस्लिम वोट इस बार बढ़ सकता है? जब हम अलग प्लेयर्स को देख रहे हैं, हम कांग्रेस की रैलियों में भी भीड़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की भी रैलियों में भीड़ हो रही है, अखिलेश यादव की रैलियों में तो भीड़ हो ही रही है, क्या मुस्लिम वोट को हम इस बार बढ़ता हुआ देख सकते हैं और ऐसा ही हिंदू वोटर्स के लिए? अगर आप देखें कि यूपी का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह है इस बात में कि यूपी का चुनाव बाइपोलर हो रहा है। कहने को तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वोटरों के मद्देनजर देखें और जिस तरह से चीजें अनफोल्ड कर रही है यूपी में, चुनाव बिल्कुल बाइपोलर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं, तो दूसरी ओर भाजपा और उनके सहयोगी दल हैं, तो चुनाव बिल्कुल इन दो ध्रुवों के बीच ही बटा हुआ है। अब दूसरी बात रही कि क्या मुस्लिम वोट बटता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम वोट के लिए एक तरह से चार दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी दावेदारी कर रही है, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कुछ मुस्लिम वोट उनके झोले में गिरेगा, बीएसपी भी दावेदारी कर रही है और एक नए प्लेयर के रूप में ओवैसी उभर कर आ रहे हैं यूपी की राजनीति में। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के जहन में सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात होगी कि अगर हो सके तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराया जाए। तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में समाजवादी पार्टी अभी दिखाई पड़ती है, तो कांग्रेस कुछ ना कुछ कुछ वोट जरूर कांग्रेस के झोले में गिरेगा। कुछ ओवैसी उन जगहों पर, ओवैसी जी ने स्पष्ट कहा है कि वो शायद 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, और कुछ अच्छे अगर उम्मीदवार हुए तो वहां पर तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम मुस्लिम वोट की बात करें कि कुल मिलाकर एक आम मुस्लिम मतदाता किधर वोट करेगा, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। तो थोड़े बहुत मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम वोट का तबका, पूरा एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो मुझे लगता है तकरीबन 55 से 60% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, और ये एक बड़ी दावेदारी होगी, एक बड़ा हिस्सा होगा मुस्लिम वोट का समाजवादी पार्टी के साथ जाना। आप देखिए 2017-12 का चुनाव भी जब समाजवादी पार्टी जीती थी, इतने मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिले थे। 39% 40% के आसपास उन्हें मुस्लिम वोट मिला था, 20% कांग्रेस को चला गया था और 18% तकरीबन बीएसपी को चला गया था। तो मुस्लिम वोट तो एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा बहुत बिखराव होगा और उस बिखराव का थोड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ और थोड़ा हिस्सा ओवैसी की पार्टी की तरफ जाएगा। अब खास तौर पर मैं यादव वोट और ब्राह्मण वोट के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बार जरा ब्राह्मणों वाला जो वोट है वो जरा दिखा दीजिए। 2012 और 17 का सर कंपैरिजन है, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी गौरव भाटिया जी। जब हम 2012 में देखते हैं तो 19% ब्राह्मण गए थे एसपी की तरफ, वो बाद में 2017 में सिर्फ 4% गए उनकी तरफ, लेकिन बीजेपी की तरफ 38 से आंकड़ा 80 पर पहुंच गया। जब सिर्फ ब्राह्मण का परसेंटेज हम दिखाएंगे तब वो आंकड़ा सामने आएगा। ये देखिए सर, ये देखिए, सपा का 19 से 4 हो गया और बीजेपी का वहीं पर 38 से 80 हो गया। क्या सर ये 80% इंटैक्ट रख पाएंगे? क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी की खबर जो अंदर खाने से आ रही है उसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? और क्या यही वजह है कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्री बनाने के बाद बिल्कुल किसी भी हाल में हटाया नहीं जा रहा है? ब्राह्मणों को लेकर क्या बीजेपी इंटैक्ट रख पाएगी अपने 80% को ध्रुवीकरण की सूरत में? अंजना जी देखिए, ये जो चर्चा हो रही है इसमें एक विचित्र बात है। ये सवाल मेरा संजय जी से था सर, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। संजय अच्छा, जी से एक सवाल है अच्छा। एक बार एक्सपर्ट से थोड़ा ब्राह्मणों पर और यादव पर मैं अलग से सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी संजय जी। नहीं, मुझे लगता है कि आपने देखा, आंकड़े बहुत साफ दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट बीजेपी की तरफ गया है और यादवों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अगर देश में यूपी के राजनीति में अगर हम देखें और देश की राजनीति में देखें कि पिछले एक दशक में क्या परिवर्तन आया, तो बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करने के लिए हम जिसको कहते हैं कमंडल के साथ मंडल का सहारा लेना पड़ा। नॉन यादव ओबीसी वोट जो है जिस तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट किया, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, और आंकड़ों के नजरिए से देखें तो ये नॉन यादव योगी ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ बड़ी जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली 2014, 2019 और 2017 में। अब देखिए 2022 के लिए समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट मिलेगा, मुस्लिम समुदाय का वोट मिलेगा, बट उन्हें प्रयास क्या करना है? उन्हें प्रयास करना है लोअर ओबीसी का वोट जो बीजेपी की तरफ खिसक गया था,
उसे अपनी तरफ लाना है, और दूसरी ओर वो जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय के बीच में अपनी पैट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से शिफ्ट होकर समाजवादी पार्टी की ओर आए। तो आप देखिए, जो पार्टी एक तरह से मंडल का पॉलिटिक्स करती थी, वो कमंडल का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, वो अपर कास्ट के वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है।